गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कक्षा 10वीं विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं पूरे प्रश्न आपको दिखाऊंगा और आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखिए, आप पूरा वीडियो देख लीजिए, पहले पूरा प्रश्न पत्र देख लीजिए फ्रेंड्स, प्रश्नों को आप अच्छे से रट कर जाइए, परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिए ताकि कोई भी सवाल आपसे छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक प्रश्न का बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को बिना स्किप किए पूरा देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं सवाल। तो देख लीजिए, पहला सवाल है हमारे पास कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, 80 अंक का क्वेश्चन पेपर है। क्या लिखा है, गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही है? तो कृष्ण को, स्वयं को, उद्धव को और सूरदास को, तो इसमें आएगा उद्धव को। ठीक है, फिर नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था, नेताजी की जिन्होंने मूर्ति तैयार किया था उस मूर्तिकार का नाम था मोतीलाल। फिर है, भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था? तो भोलानाथ के जो ललाट पर है वो भभूत का तिलक सुशोभित होता था। फिर है, शांत रस का स्थाई भाव, तो शांत रस का स्थाई भाव है निर्वीद। समास के कितने प्रकार होते हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं। फिर है, निह धनचय बराबर निश्चय कौन सी संधि है? तो फ्रेंड्स, ये है विसर्ग संधि का उदाहरण, क्योंकि यहाँ विसर्ग लगे हुए हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि थे, तो ये वात्सल्य रस के कवि थे। फिर है, कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी मन को खालिस्तान, जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को खालिस्तान का रूप दिया था, तो भंवरे का रूप दिया था। फिर है, सभापति का भाषण खालिस्तान में छपा था, तो ये अखबारों में छपा था। भोलानाथ का वास्तविक नाम खालिस्तान था, तो जो भोलानाथ है उनका वास्तविक नाम था तारकेश्वरनाथ। फिर है, काव्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है कि प्रतिदिन में खालिस्तान समास है, तो प्रतिदिन में जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक, फिर है, संचारी भावों की संख्या खालिस्तान होती है, तो संचारी भावों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देखिए गुड़, तो गुड़ आपने सुने होंगे, गुड़ जहाँ रहती है वहाँ मक्खी चिपकती है, तो इसीलिए गुड़ कहा जाएगा चींटी चिपकती है तो चींटी आ जाएगा। फिर सेवा करने वाले को क्या बोलते हैं? सेवक। माता का अंचल, तो माता का अंचल जो है रचना है शिव पूजन सहाय की है। फिर है, गद्य हमारी, तो गद्य जो है हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, जो भी हम बात करते हैं गद्य में करते हैं। फिर है, रस काव्य की, तो रस जो है काव्य की आत्मा होती है। फिर जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि थे। ठीक, छायावाद के लेखक थे, कवि थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो बच्चे, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य छाटिए। पहला लिखा है, आत्मकथ कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर है, बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है, तो ये भी सत्य है। फिर है, तीसरा, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, बिल्कुल सत्य है, सरकारी व्यंग तंत्र पर व्यंग किया गया है। फिर रामचरितमानस एक खंड काव्य है, गलत है, रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है, तो यह असत्य हो जाएगा। फिर एकांकी में 4 अंक होते हैं, ये भी असत्य है फ्रेंड्स, एकांकी में 1 अंक होते हैं। फिर है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है, ये भी असत्य है, क्योंकि जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। फिर अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो देखिए, यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन आप अपनी बुक से मिला लेंगे, सभी के आंसर शायद मुझे ज्ञात न हो। क्या लिखा है, सहस्रबाहु कौन थे? तो सहस्रबाहु एक राजा थे। आत्मकथ कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है? तो मधुप का प्रयोग फ्रेंड्स आप पुस्तक में देख लेंगे। नाक किसका प्रतीक होती है? तो नाक इज्जत का प्रतीक होती है। कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, तो कहानी के 5 तत्व होते हैं, आप उसके नाम लिख लेंगे अपनी पुस्तक से, ग्रामर से। ठीक, फिर हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसको भी आप देख लेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर है, भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे? तो भोलानाथ के जो पिता है आटे की 1000 गोलियां गंगे में प्रवाहित करते थे, गंगा जी में। ठीक है, अब हम बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। ठीक,
देख लीजिए, पहला छठवां क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है? लिखिए या अथवा में परशुराम वाला दिया हुआ है। फिर कैप्टन की मृत्यु समाचार पत्र देते वक्त पनवाला उदास हो जाता है, क्यों? तो फ्रेंड्स, ये आप पूरे प्रश्न को विस्तार से देख लीजिए, मैं सभी प्रश्नों को आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ दिया है, ग्रामर से आपके क्वेश्चन आए, भक्ति काल की दो विशेषता, कहानी और उपन्यास में अंतर, गीत गीति का छंद की परिभाषा, हरिगीति का छंद की परिभाषा, महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, खंडकाव्य के नाम लिखना है तो खंडकाव्य है ना, रस की परिभाषा, वीर रस का उदाहरण, तो इस तरीके से आप संधि विच्छेद, ये सभी क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए और इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, फिर ये समास है, जैसे हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हिम धन आलय है ना, जगदीश का हो जाएगा जगत धन ईश, मनह धन रथ। उसी प्रकार ये समास विग्रह हो जाएगा, राजभवन राजा का भवन, चौराहा है ना, चार राहों का समूह, रात दिन रात और दिन। ठीक है, इस तरीके से आप इनको संधि विच्छेद कर सकते हैं और समास विग्रह भी कर सकते हैं। फिर ये सवाल दिए हुए हैं आपको, सूरदास जी या जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखना है। फिर है स्वयं प्रकाश रामोक्ष बेनीपुरी की दो रचना लिखना है, नेताजी का चश्मा का पाठ का उद्देश्य लिखना है, और ये आपको गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश से इस प्रश्नों को छाट कर आप लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप सभी प्रश्न देख लीजिए, और भी कुछ सवाल है मैं आप उनको भी दिखा देता हूँ। ये पूरी आपके पास कविता दी हुई है, इसको पढ़ना है, चींटी बहुत अच्छा है, चींटी मेहनत बेकार क्यों नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार क्यों नहीं होती, ये सभी इसमें आपको पढ़ के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल दिए हुए हैं, फिर लास्ट में फिर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है आपको और अपने उत्तर देना है, नोट्स लिखना है, इसकी प्रसंग सहित व्याख्या करना है। फिर अपने प्राचार्य महोदय को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, या वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। निम्नलिखित में से 100 से 120 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार के आप सभी प्रश्न पत्र चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी प्रश्नों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।